क्या था एंड माय टॉपिक इज फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें प्लेन में प्लेन इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये पता हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन आप प्लेन निकालते कैसे हैं, क्या क्या उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होती है, और फिर इक्वेशन आप प्लेन निकाल कर हम करेंगे क्या, इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे हमें इक्वेशन अगर हम किसी प्लेन का लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो हमें इससे उसके बारे में रफ आइडिया मतलब उसका हमें स्ट्रक्चर और उसका मतलब विस्तार हो रही है हमें पता चल जाता है कि उसकी अगर उसमें हम एडिट करते चले जाएं तो उसकी हमें पूरा उसका रीजन पता चल जाएगा। अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन हम तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक तो हमें अगर प्लेन पर कोई पॉइंट दिया हो और उसे हमें उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट पता हो नॉर्मल और एक नॉर्मल वेक्टर प्लेन या टेंजेंट चाहे जिस डायरेक्शन में पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा अगर कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अगर कोई नॉर्मल वेक्टर अगर हमें गिवन हो अगर और उसके पॉइंट में पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ दिखाया गया है अब ये बोर्ड जो है टू डी है इसलिए हमें यहाँ सफा सफा नहीं दिख रहा है कि ये जो है ये नॉर्मल ये प्लेन पर नॉर्मल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हम मान लें कि ये ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और यहाँ पर हमें कोई पॉइंट पता है नॉर्मल का जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। तो इसे हम जानते हैं कि अगर हम एक पॉइंट अगर यहाँ मान लेते हैं और इसकी आर माइनस डी करके यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो इसका और इसके नॉर्मल से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जीरो आ जाएगा टोटल। तो हम यहाँ पर लिख लिया कि माना कि ये जो है डी है और इसका यूनिट वेक्टर एन तो ये टोटल हो गया डी एन वेक्टर और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे जो ये मान गया है पी तो ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर डी एन ये हमारा पता चल गया बी एम ये निकालेंगे आर माइनस डी एन वेक्टर से और इसका और एन वेक्टर जो है ये इस प्लेन का परपेंडिकुलर है तो आर माइनस डी एन डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो इसका हमें अंदर भेज देंगे तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन माइनस डी यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर एन और दो यूनिट वेक्टर्स के बीच की जो होता है मतलब एंगल वो जीरो डिग्री होता है और एन डॉट एन एन इन टू एन कॉस थीटा कॉस थीटा को इनवर्स हो जाएगी और आर माइनस डी आर एन माइनस डी इक्वल टू जीरो आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू जी ये हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन।